हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ यूनिसॉल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिसॉल सॉफ्टवेयर का डेमोंस्ट्रेशन। यूनिसॉल सॉफ्टवेयर फार्मास्यूटिकल ट्रेड के लिए डिजाइन किया गया है। यूनिसॉल सॉफ्टवेयर सीएनएफ सेगमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट्स, होलसेलर्स, सेमी होलसेलर सेगमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अब यूनिसॉल सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करने के लिए आपको इसके डेस्कटॉप पे जो आइकन है उस पर डबल क्लिक करके एंटर होना होगा। यहां पे आपको अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करना होगा। यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के एंटर करना होगा। बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम और पासवर्ड रहता है वो एडमिन और एडमिन रहता है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना इनिशियल स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर कुछ टैब्स दे रखे हैं जिनके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर मैं सेल्स पे क्लिक करूं तो मुझे सेल्स से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहां पे दिखाई देंगे। अगर मैं परचेस में आऊंगा तो मेरे को परचेस से रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसी तरीके से अगर मैं एडजस्टमेंट्स में आऊंगा तो मुझे एडजस्टमेंट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसी तरीके से जीएसटी बीटा, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, एनालिसिस, अकाउंट्स, सिस्टम, यूटिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्प और एग्जिट के अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं। इन सब की डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे। सबसे फर्स्ट टैब है सेल्स, जिसके अंदर आपको सेल्स से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि होलसेल इनवॉइस। इसके साथ में आपको इसकी शॉर्टकट की भी दे रखी है। डिस्ट्रीब्यूशन इनवॉइस, ट्रांसफर आउट, पैकिंग स्लिप / चालान, पैकिंग स्लिप इनवॉइस, इनवॉइस समरी, चेकलिस्ट, स्टेटमेंट ऑफ बिल्स, बैंक लेटर, जिसके अंदर आपको प्रिंट बैंक लेटर, एडिट बैंक लेटर, एडिट इनवॉइस डिटेल जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। इसके साथ में कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पेंडिंग ऑर्डर्स, जिसके अंदर आप अपने पेंडिंग ऑर्डर्स की एंट्री कर सकते हैं, ऑर्डर्स रिसीव कर सकते हैं, इंक्वायरी पेंडिंग ऑर्डर्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट पार्टी वाइज देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर वाइज देख सकते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट वाइज देख सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन से पेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड इसमें दे रखे हैं। उसके बाद आता है रिसिप्ट, जिसके अंदर आप अपनी रिसिप्ट एंट्री कर सकते हैं, वेरीफाई रिसिप्ट कर सकते हैं, क्रेडिट इंटरेस्ट डेबिट नोट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इनवॉइस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, अगर आपको कोई भी इनवॉइस को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो वो अलग अलग फॉर्मेट्स में यहाँ से आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था सेल्स का टैब। नेक्स्ट टैब है परचेस। परचेस के अंदर जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो है परचेस इनवॉइस, जिसकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे, परचेस चालान, ट्रांसफर इन, परचेस ऑर्डर, जिसके अंदर आप ऑर्डर फॉर्म, परचेस ऑर्डर बुक प्रिंट, ऑर्डर बुक, परचेस ऑर्डर, इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। स्कीम सर्कुलर, इंपोर्ट परचेस इनवॉइस, इंपोर्ट परचेस इनवॉइस सीएसवी फॉर जीएसटी, एक्सपोर्ट परचेस इनवॉइस फॉर सीएसवी, एक्सपोर्ट परचेस ऑर्डर फॉर सीएसवी, आई परचेस। आई परचेस के अंदर आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो है इंपोर्ट परचेस, एक्सपोर्ट परचेस ऑर्डर। तो ये था परचेस। नेक्स्ट ऑप्शन है एडजस्टमेंट्स, जिसके अंदर आपको एडजस्टमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि सेल्स रिटर्न, सेल्स रिप्लेसमेंट न्यू ओल्ड, सेल्स क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न टैक्स इनवॉइस, सेल्स डेबिट नोट सप्लायर इनवॉइस, कन्वर्ट सेल्स रिटर्न टू क्रेडिट नोट, कन्वर्ट रिप्लेसमेंट नोट्स टू क्रेडिट नोट, परचेस रिटर्न, परचेस रिप्लेसमेंट, परचेस डेबिट नोट, परचेस रिटर्न टैक्स इनवॉइस, परचेस क्रेडिट नोट सप्लायर इनवॉइस, इम्पोर्ट क्रेडिट डेबिट नोट आई परचेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट डेबिट नोट आई सेल्स, इंपोर्ट क्रेडिट डेबिट नोट सी एस वी, शॉर्टेज सरप्लस फॉर रिटेल, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस, शॉर्टेज, गोडाउन ब्रेकेज एक्सपायरी, होल्ड एंड रिलीज, ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे एडजस्टमेंट्स में। नेक्स्ट ऑप्शन है जीएसटी बीटा। जीएसटी बीटा के थ्रू आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। आप अपनी फाइल्स को
एक्सपोर्ट करके अपने एंड पे लेके गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप कारवी और टैक्सन गो के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कारवी और टैक्सन गो के पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोसेस को आगे करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है एक्सपायरी ब्रेकेज रिटर्न्स। इसके अंदर आप अपनी एक्सपायरी ब्रेकेज रिटर्न से रिलेटेड रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट पार्टी वाइज, पार्टी प्रोडक्ट वाइज, डेट वाइज गोडाउन ब्रेकेज एक्सपायरी, सेल्फ गोडाउन ब्रेकेज एक्सपायरी। तो जितनी भी आपके ब्रेकेज एक्सपायरी और रिटर्न से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो आपको रिपोर्ट्स में मिलेगी। नेक्स्ट रिपोर्ट है एडजस्टमेंट रिपोर्ट्स, जिसके अंदर आपको एडजस्टमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स मिलेगी, जैसे कि ट्रांसफर इन रजिस्टर, MRP, प्रोडक्ट वाइज सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट वाइज होल्ड क्वांटिटी। तो ये सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगे एडजस्टमेंट रिपोर्ट्स में। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप अपने सेल्स एंड स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कि सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट फॉर्मेट 1, 2, 3, 4 और 5, वीकली सेल्स रिपोर्ट, मंथली सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट जैसे ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट है डेली रिपोर्ट, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग्स, जिसके अंदर आपको ड्यू बिल्स, एजिंग एनालिसिस, एरिया वाइज, स्टेशन वाइज, रीजन वाइज, लोकेलिटी वाइज, MR वाइज आउटस्टैंडिंग, सेल्स पर्सन वाइज स्टेटस, सेल्स पर्सन वाइज आउटस्टैंडिंग जैसी रिपोर्ट्स मिलेगी। नेक्स्ट रिपोर्ट है सेल्स रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको ग्रुप वाइज, ग्रुप बिल वाइज, ग्रुप कस्टमर बिल वाइज, ग्रुप कस्टमर वाइज, शेड्यूल वाइज, सेल्स स्टेटमेंट वाइज, स्टेशन वाइज, कैटेगरी वाइज, बैच टू प्रिंट, प्रोडक्ट कस्टमर वाइज जैसी रिपोर्ट्स मिलेंगी। नेक्स्ट रिपोर्ट है कस्टमर रिपोर्ट्स, जिसके अंदर आपको कस्टमर से रिलेटेड रिपोर्ट्स मिलेगी, जैसे कि कस्टमर ग्रुप वाइज सेल्स, कस्टमर प्रोडक्ट बिल वाइज, कस्टमर वाइज चालान लिस्ट, कस्टमर प्रोडक्ट वाइज सेल्स, पोस्टिंग अकाउंट वाइज सेल्स रियलाइजेशन, सेल्स डिस्काउंट समरी, पार्टी प्रोडक्ट बिल वाइज जैसी ऑप्शंस आपको कस्टमर रिपोर्ट्स में मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बुक्स रजिस्टर डिटेल्स, जिसके अंदर आपको पार्टी लेजर, परचेस रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर, कलेक्शन रजिस्टर, मंथली पेमेंट डिटेल्स, स्टॉक लेजर, अकाउंट नेम, सप्लायर लेजर जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है परचेस रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको परचेस से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स मिलेगी। इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो है पार्टी प्रोडक्ट वाइज चालान लिस्ट, पार्टी प्रोडक्ट वाइज ऑर्डर लिस्ट, प्रोडक्ट पार्टी वाइज, प्रोडक्ट बिल वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सप्लायर ग्रुप वाइज एक्स्ट्रा, सप्लायर प्रोडक्ट वाइज परचेस क्वांटिटी, बिल वाइज नेट परचेस, परचेस ऑर्डर रजिस्टर जैसे ऑप्शंस आपको परचेस रिपोर्ट्स में मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री डिटेल्स, जिसके अंदर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स मिलेगी, जैसे कि फ्री क्वांटिटी डिटेल्स, फ्री क्वांटिटी स्टेटमेंट्स, नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स, डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट्स, ग्रुप प्रोडक्ट वाइज, MRP वाइज स्टॉक, रीऑर्डर रिपोर्ट, फॉर्मेट्स, बैच वाइज, शेल्फ प्रोडक्ट वाइज, शॉर्ट लिस्ट आइटम, डंप स्टॉक, एजिंग एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स जैसे ऑप्शंस आपको इन्वेंट्री डिटेल्स में मिलेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट है डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसके अंदर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म से रिलेटेड रिपोर्ट्स मिलेगी, जिसके अंदर रिसीव फॉर्म, इश्यू फॉर्म, फॉर्म रजिस्टर, फॉर्म स्टॉक पोजीशन, नॉन इश्यू इनवॉइस, परचेस फॉर्म, सेल्स फॉर्म जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइस लिस्ट, इसके अंदर आपको प्राइस लिस्ट से रिलेटेड रिपोर्ट्स मिलेगी, जैसे कि नेम वाइज, कोड वाइज, जेनेरिक वाइज, ग्रुप वाइज, मास्टर ग्रुप वाइज, ग्रुप वाइज टू कॉलम, विजुअल एड, प्राइस लिस्ट, प्राइस रियलाइजेशन जैसे ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट है वैट फॉर्म्स, जिसके अंदर वैट फॉर्म्स की डिटेल्स दे रखी हैं। तो ये था रिपोर्ट्स पार्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेरीज, जो ऑप्शंस आपको क्वेरीज में मिलेंगे वो है प्रोडक्ट क्वेरी, रेट एंड स्टॉक क्वेरी, MRP क्वेरी, जेनेरिक वाइज प्रोडक्ट्स, कंपनी वाइज प्रोडक्ट्स, स्टॉक क्वेरी, कस्टमर क्वेरी, सप्लायर क्वेरी, स्टॉक वैल्यूएशन, ट्रैकिंग ऑफ क्रेडिट बिल्स, ट्रैकिंग बिल्स पेमेंट स्टेटस, इंक्वायरी बैलेंसेस, इंक्वायरी ट्रांजेक्शंस, अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। नेक्स्ट ऑप्शन है एनालिसिस, जो ऑप्शंस आपको एनालिसिस में मिलेंगे वो है ग्रुप कंपनी वाइज सेल्स, जिसके अंदर आपको मंथ वाइज, कस्टमर वाइज, स्टेशन वाइज,
एरिया वाइज, रीजन वाइज, लोकेलिटी वाइज, सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट्स मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट वाइज सेल्स, इसके अंदर आपको मंथ वाइज, कस्टमर मंथ वाइज, स्टेशन वाइज, एरिया वाइज, रीजन वाइज, लोकेलिटी वाइज, सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट्स मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टमर वाइज सेल्स, इसके अंदर जो रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी वो है मंथ वाइज, प्रोडक्ट मंथ वाइज, ग्रुप मंथ वाइज। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेशन वाइज सेल्स, इसके अंदर जो रिपोर्ट्स आपको मिलेगी वो है मंथ वाइज, प्रोडक्ट मंथ वाइज, ग्रुप मंथ वाइज। नेक्स्ट ऑप्शन है एरिया वाइज सेल्स, इसके अंदर आपको जो रिपोर्ट्स मिलेंगी वो है प्रोडक्ट मंथ वाइज, ग्रुप मंथ वाइज, ग्रुप मंथ वाइज कंपेयर टू ईयर्स, ग्रुप मंथ वाइज कंपेयर टू ईयर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है रीजन वाइज सेल्स, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट मंथ वाइज, ग्रुप मंथ वाइज रिपोर्ट्स मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेलिटी वाइज सेल्स, इसके अंदर भी आपको प्रोडक्ट मंथ वाइज, ग्रुप मंथ वाइज रिपोर्ट्स मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्स पर्सन वाइज सेल्स, इसके अंदर आपको ग्रुप वाइज, कस्टमर वाइज कमीशन रिपोर्ट, बिल वाइज कमीशन रिपोर्ट, कमीशन समरी, ग्रुप वाइज सेल्स समरी, सेल्स पर्सन वाइज कमीशन रिपोर्ट्स मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स, इसके अंदर आपको एच क्यू प्रोडक्ट वाइज सेल्स, एच क्यू एम आर प्रोडक्ट वाइज सेल्स, एच क्यू प्रोडक्ट पार्टी वाइज सेल्स, एच क्यू पार्टी प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिपोर्ट्स मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट एनालिसिस, इसके अंदर आप डेट वाइज, बिल वाइज, कस्टमर बिल वाइज, कस्टमर डेट वाइज, कस्टमर वाइज प्रॉफिट, कस्टमर डेट वाइज प्रॉफिट, कस्टमर वाइज प्रॉफिट, ग्रुप वाइज प्रॉफिट, मास्टर ग्रुप वाइज प्रॉफिट, प्रोडक्ट कस्टमर वाइज प्रॉफिट देख सकते हैं। टॉप एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर आपको सेल्स कस्टमर, कलेक्शन कस्टमर, परचेस सप्लायर, पेमेंट सप्लायर, प्रोडक्ट सेल्स की रिपोर्ट्स मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कैटेगरी वाइज समरी, सेल्स इन स्टॉक समरी, कस्टमर सप्लायर समरी, परचेस एनालिसिस। जो ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे वो है प्रोडक्ट मंथ वाइज और ग्रुप मंथ वाइज रिपोर्ट्स। तो ये था एनालिसिस ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट्स, जिसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजेक्शंस, जिसके अंदर आप वाउचर्स, जीएसटी इनपुट परचेस, जीएसटी आउटपुट सेल्स, ऑटो क्रिएट वाउचर, चेकलिस्ट, इंसर्ट कैलकुलेशन, बैंक रिकंसिलेशन जैसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पीडीसी ट्रांजेक्शंस, जिसके अंदर आपको पीडीसी इश्यूड, पीडीसी क्लियर, पीडीसी पेंडिंग, पीडीसी रिसिप्ट, डिपॉजिट पेंडिंग, वेरीफाई पीडीसी, चेक डिसऑनर्ड, मिसिंग चेक्स, सेल्फ चेक्स जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट्स, जिसके अंदर आपको डे बुक्स, कैश एंड बैंक बुक, जनरल लेजर, सब लेजर, मल्टी शेड्यूल, अकाउंट समरी, बिल वाइज आउटस्टैंडिंग, एजिंग एनालिसिस, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट, रिमाइंडर जैसे ऑप्शन मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर आपको अकाउंट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स सीरीज वाइज, पार्टी पेमेंट परफॉर्मेंस, इंटरेस्ट स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस डिटेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो, प्रिंट शेड्यूल्स जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बैलेंस शीट मास्टर डेटा, जिसके अंदर आपको अकाउंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस, शेड्यूल, वाउचर टाइप्स, नरेशन जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फैसिलिटीज, जिसके अंदर आपको चेंज वाउचर नंबर, कॉपी वाउचर नंबर, चेंज अकाउंट कोड, चेंज शेड्यूल नंबर, रीसीक्वेंस वाउचर नंबर, मिसिंग वाउचर नंबर जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिस्टम, जिसके अंदर आपको बैलेंस वैलिडेशन, ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस, इंपोर्ट डेटा, एक्सपोर्ट डेटा, कंपेयर ओपनिंग बैलेंस डिफरेंसेस, अपडेट आउटस्टैंडिंग पेमेंट, ऑटो एडजस्ट आउटस्टैंडिंग पेमेंट, अपडेट लिंक फ्रॉम लिंक बैकअप, क्रिएट लिंक बैकअप जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टम, जो ऑप्शंस आपको सिस्टम में मिलेंगे वो है मास्टर डेटा, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, सप्लायर, टेक्स्ट टाइप, सीरीज, फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन, रिमाइंडर लिस्ट जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टम मेंटेनेंस, जिसके अंदर आपको रीपोस्टिंग, इंडेक्सिंग, इंपोर्ट कस्टमर आउटस्टैंडिंग, सप्लायर आउटस्टैंडिंग, प्रोडक्ट ओपनिंग बैलेंसेस, अकाउंट ओपनिंग बैलेंसेस, पीडीसी, इंपोर्ट बैंक ट्रांजेक्शन, क्रेडिट नोट्स जैसे इंपोर्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे। इसके साथ में आपको सिस्टम पैरामीटर्स, अपडेट नेट रेट, अपडेट मास्टर डेटा, चेंज फॉर्मेट, मिसिंग एंट्री नंबर, डुप्लीकेट नंबर जैसे ऑप्शंस इसमें सिस्टम मेंटेनेंस में मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फैसिलिटीज,
जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट, कस्टमर, डिस्काउंट मास्टर, डिलीट नॉन ट्रांजेक्शन मास्टर, अपडेट एक्सपायरी मैसेजेस, अलाउ की डेस्क फॉर अदर यूजर्स, चेंज सप्लायर कोड जैसे मास्टर्स मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जिसके अंदर आप एक्सपोर्ट फॉर्मेट्स, इम्पोर्ट फॉर्मेट्स, एक्सपोर्ट कस्टमर लिस्ट, इम्पोर्ट कस्टमर लिस्ट, इम्पोर्ट फाइल, डेटा डिक्शनरी जैसे ऑप्शन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ग्रुप फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा बैकअप, जिसके अंदर आप डेली बैकअप, मंथली बैकअप, हार्ड डिस्क बैकअप, रीस्टोर बैकअप जैसे ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज यूजर और चेंज कंपनी, तो ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है यूटिलिटी, जिसके अंदर आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो है SMS, ईमेल सिस्टम बीटा, जिसके अंदर आप मेल शेड्यूल, सेंड ईमेल, ईमेल डिटेल्स, SMS डिटेल, सेंड ईमेल रिपोर्ट, रीजनरेट टुडे मेल्स SMS जैसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेंट SMS, रीसेंट ईमेल, चैट, कैलकुलेटर, फिलर, फाइल व्यूअर, इंपोर्ट CSV मास्टर, फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन, फॉर्मेट डिजाइनर, फॉर्मेट वेरिएबल्स, एक्सपोर्ट मेडिसर्च डेटा। नेक्स्ट ऑप्शन है iSales, अगर आप रिटेलर से डायरेक्ट ऑर्डर लेना चाहते हैं ऐप के थ्रू तो iSales ऑप्शन आपके काम आएगा। इसके लिए आपको यूनिसोल की एप्लीकेशन को परचेस करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है IMS एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे वो है IMS एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, जैसे कि जनरेट IMS डेटा फाइल्स, अपलोड IMS डेटा यूजिंग API, डाउनलोड इनवॉइस। नेक्स्ट ऑप्शन है आवाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर आपको अपनी आवाज फाइल को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट फॉर टैली, अगर आपको अपने वाउचर्स टैली में एक्सपोर्ट करने हैं तो इस ऑप्शन से आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फेच / अपडेट माई डिटेल। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट डिजाइनर, जिसके अंदर आप रिपोर्ट लिस्ट कर सकते हैं और इम्पोर्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थे यूटिलिटी के ऑप्शंस। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे यूजर लिस्ट, यूजर राइट्स, कॉपी यूजर राइट्स, चेंज यूजर पासवर्ड, व्यू ग्लोबल ट्रेड, व्यू ट्रांजेक्शन लॉग, व्यू एक्टिव यूजर्स, शो अपडेट्स, स्टॉप डाउनलोड अपलोड, स्टार्ट डाउनलोड अपलोड, फोर्स एग्जिट, मोबाइल डिवाइसेस, इसके अंदर आप अपने मैक एड्रेस लिस्ट को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प, जिसके अंदर आपको हेल्प से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि सपोर्ट सेंटर, ऑनलाइन सपोर्ट एमी के थ्रू, ऑनलाइन सपोर्ट टीम व्यूअर के थ्रू, व्हाट्स न्यू, अबाउट अस, डीलर्स नेटवर्क, लाइसेंस एग्रीमेंट, सपोर्ट पॉलिसी, डेटा बैकअप इंपॉर्टेंस, कलर स्कीम्स, चेकलिस्ट, फंक्शन की लिस्ट, टैक्स अपडेट्स, यूजर मैनुअल, सीधी बात, मेमोरी स्टेटस, इंपोर्ट वेबसाइट्स, डाउनलोड UPC मास्टर, डाउनलोड स्विल अपडेट, डाउनलोड फॉर्मेट, डाउनलोड फॉर्मेट डिजाइन, डाउनलोड लास्ट पैच, डाउनलोड लास्ट पैच विदाउट .NET। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट का, जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर को एग्जिट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है जो कि आपको यूनिसोल सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगे। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के कुछ ऑप्शंस जो कि आप सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस फ्लोस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं सिस्टम मेंटेनेंस में आकर सिस्टम पैरामीटर्स ओल्ड को ओपन करूंगा। यहां पे आपको पासवर्ड डाल के ओके करना होगा। ओके करने के बाद आपको ये स्क्रीन यहां पे दिखाई देगी। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम। सिस्टम के अंदर आप अपनी फील्ड्स को सेट कर सकते हैं, जैसे कि रिमार्क फील्ड, इनवॉइस नंबर विड्थ, रेट विड्थ, क्वांटिटी विड्थ, रिमार्क फील्ड विड्थ, बॉक्स विड्थ, प्रोडक्ट नेम विड्थ, डेसिमल इन लेस बाय परसेंट, इस तरीके के ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं जिनको आप सेट करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड। इसके अंदर आप अपना टैक्स पीरियड और मंथ्स को सेट कर सकते हैं, साथ ही आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिनके ऊपर आप टिक और अनटिक करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि रीसेल सेल रेट, अलाउ कैंसिल सेल्स इनवॉइस इन डेटा एंट्री मोड, शो डिस्काउंट कॉलम रिसिप्ट के अंदर,
इस तरीके के कुछ ऑप्शन है जिनको आप टिक एंड टिक करके अपने सेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफॉल्ट्स, जिसके अंदर आप अपने फील्ड्स के नाम चेंज कर सकते हैं। तो जो भी फील्ड का आपको नाम चेंज करके जो रखना है वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्टिंग अकाउंट, पोस्टिंग अकाउंट ऑप्शन के अंदर आप अपने अकाउंट से रिलेटेड ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट, जिसके अंदर आप टिक और अनटिक करके इनेबल और डिसेबल ऑप्शंस को कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस, बिलिंग रेट, टेक्स्ट टाइप, कैश रिसीव, डिस्काउंट, एडवांस चेक, प्रोडक्ट ओपनिंग स्टॉक, बैच नंबर, फ्री क्वांटिटी। तो जो ऑप्शन आपको चाहिए इस पर टिक कर दीजिए, जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए इस पर आप अनटिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंट्स, जिसके अंदर आप अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर, जिसके अंदर आप अपने प्रिंटर से रिलेटेड सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अदर्स, जो ऑप्शंस आपको अदर्स में मिलेंगे वो है एडजस्ट डिफरेंस अमाउंट इन रिप्लेसमेंट नोट इन, तो होलसेल, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग, इनवॉइस, ट्रांसफर आउट, परचेस अकाउंट, जिसके अंदर भी आप सेट करना चाहते हैं उसे वहां पे सेट कर सकते हैं। अपना कर्सर फर्स्ट टाइम किस पे आना चाहिए वो सब सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट बिल सीरीज, इन ड्यू आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के अंदर कौन सी सीरीज के अंदर वो होना चाहिए, तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको अदर्स में मिलेंगे। तो ये था सिस्टम पैरामीटर, जिसके अंदर आप ऑप्शंस को सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो जो आपको ऑप्शंस सॉफ्टवेयर में चाहिए, किस अकॉर्डिंग चाहिए और किस हिसाब से वो वर्किंग करने चाहिए। तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें पैरामीटर्स को सेट करना होता है, और उन पैरामीटर्स को सेट करने के बाद हमें इसे सेव करना होता है, तो आपका सॉफ्टवेयर भी उसी अकॉर्डिंग काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन विंडो। उसके लिए जब भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करेंगे और अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा बैकअप पाथ का। अगर आप अपडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी पूरी की पूरी कंपनी डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, कंपनी नेम, रजिस्टर्ड टू, स्टेशन, नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर मोबाइल यूजर्स, वर्जन डेट, वर्जन, नेक्स्ट एएमसी डेट, वैलिड डेट, तो यहाँ पे आपको सारे वो ऑप्शंस दिखाई देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्स, जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे वो है सेल्स इनवॉइस। तो ये मेरी सेल्स इनवॉइस की विंडो है, जिसके अंदर मुझे अपने कस्टमर का नाम डाल के सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को इंसर्ट करके उसे सेव करना होगा। अगर आप F1 की यहाँ पे दबाते हैं तो यहाँ पे हमने कुछ शॉर्टकट कीज दे रखी हैं, जिनके ऊपर आप क्लिक करके उन्हें डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे कुछ ग्लोबल कीज दे रखी हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी ये ग्लोबल कीज को प्रेस करते हैं तो ये ऑप्शंस आपके सामने इनेबल हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली इन शॉर्टकट कीज के थ्रू अपने ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही हमने जो आपके लेजर का फॉर्मेट है वो हम लोग यहाँ से अपने साइड से आपके लिए डिजाइन करके उसका पेपर का साइज और उसके ऊपर क्या क्या डिटेल्स आपकी प्रिंट होनी है वो, और कलर, वो सब हम लोग यहाँ से अपने एंड पे सेट करके आपके एंड पे अपलोड करते हैं। तो ये इनवॉइस जैसा आप चाहेंगे वैसा बन जाता है। तो आप यहीं से सॉफ्टवेयर के अंदर होलसेल, डिस्ट्रीब्यूशन और अदर की सेल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चेकलिस्ट, उसके लिए मुझे सेल्स में आके चेकलिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सेल्स पर्सन वाइज कैश और क्रेडिट की कितने सेल हुई है उसको रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको चेकलिस्ट में आना होगा। यहाँ पे आपको डेट रेंज सेलेक्ट करनी होगी कि कौन सी डेट रेंज से कौन सी डेट रेंज आपको रिपोर्ट देखनी है। सारी चीजें इंसर्ट करने के बाद में आपको ओके सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे आपको वो पूरी डिटेल शो हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ बिल्स, इस ऑप्शन के थ्रू आप कस्टमर के ड्यू बिल्स की डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट रेंज सेलेक्ट करनी होगी, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको बिल देखने और उसे ओके सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमें सीरीज सेलेक्ट करना होगा, सीरीज सेलेक्ट करने के बाद हमें ओके प्रेस करना होगा, तो आपकी रिपोर्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी।
इस रिपोर्ट को बनने में थोड़ा सा समय लग सकता है जो कि आपके डेटा पे वेरी करता है, तो यहाँ पे आपको वो डिटेल शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट लिस्ट पूरी की पूरी दिख जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसिप्ट। उसके लिए मुझे सेल्स पे क्लिक करके रिसिप्ट ऑप्शन में आकर रिसिप्ट एंट्री को ओपन करना होगा। तो इस विंडो के अंदर आप अपनी रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इनवॉइस एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर आपको कस्टमर को सीएसवी फॉर्मेट में सेल्स इनवॉइस को सेंड करना है ताकि वो मैनुअली इनवॉइस को ना चढ़ा के ऑटोमेटिक चढ़ा ले, तो आपको सेल्स एक्सपोर्ट सीएसवी जीएसटी को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे पूरी डिटेल्स डालने के बाद में आप इसे ओके करेंगे तो आपकी जो सेल्स इनवॉइस है वो सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आपके पास में सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है पेंडिंग ऑर्डर्स। अगर आपके कोई पेंडिंग ऑर्डर्स है तो आप उनकी एंट्री पेंडिंग ऑर्डर्स में आकर इस विंडो के अंदर कर सकते हैं। तो ये था सेल से रिलेटेड पार्ट। अब हम देखेंगे परचेज। परचेज के लिए मैं परचेज के अंदर आकर परचेज इनवॉइस को ओपन करूंगा। तो यह है मेरा परचेज इनवॉइस का विंडो। यहां पे आप अपने वेंडर का नाम सेलेक्ट करके यहां पे प्रोडक्ट्स की डिटेल डाल के इसे सेव कर सकते हैं। यहां पे भी अगर आप F1 की प्रेस करते हैं तो आपको यहां पे शॉर्टकट कीज दिखाई देंगे। जो हमने सेल्स में देखे वो सेल से रिलेटेड शॉर्टकट कीज से, और जो हम परचेज में देख रहे हैं वो परचेज से रिलेटेड है। अगर आपको परचेज इनवॉइस के अंदर बिलिंग हेड बनाना है तो आप कंट्रोल के प्रेस करके बिलिंग हेड भी यहीं से बना सकते हैं। तो ये था परचेज इनवॉइस। नेक्स्ट ऑप्शन है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के लिए मुझे परचेज टैब के अंदर आकर परचेज ऑर्डर के अंदर आकर ऑर्डर फॉर्म को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप अपने परचेज ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली वेंडर का नाम सेलेक्ट करके और प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आप इसे सेव करेंगे तो आपका परचेज ऑर्डर बन जाएगा। और अगर आप अपनी परचेज ऑर्डर लास्ट सेल के थ्रू या मिनिमम लेवल या गिवन क्वांटिटी के थ्रू करना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट परचेज इनवॉइस सीएसवी फॉर जीएसटी। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज इनवॉइस मैनुअली नहीं चढ़ा के ऑटोमेटिक चढ़ाना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपने वेंडर से जो परचेज इनवॉइस है वो सीएसवी फॉर्मेट में लेना होगा। जब आपका वेंडर आपको सीएसवी फॉर्मेट में आपकी परचेज इनवॉइसेस दे देगा तो आप उसे ऑटो इंपोर्ट इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है परचेज ऑर्डर। तो उसके लिए मैं परचेज ऑप्शन में आकर परचेज ऑर्डर के अंदर परचेज ऑर्डर को ओपन करूंगा। परचेज ऑर्डर के थ्रू आप सप्लायर को ऑर्डर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप सप्लायर का नाम सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करके इसे सेव करेंगे तो आपका उस सप्लायर के नाम से ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो ये थे परचेज से रिलेटेड ऑप्शंस। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है सेल्स रिटर्न। तो ये है आपका सेल्स रिटर्न का विंडो। यहाँ पे आप अपना कस्टमर का नाम सेलेक्ट करके और प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करके अपनी रिटर्न की एंट्री को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्स क्रेडिट नोट। तो ये है मेरा सेल्स क्रेडिट नोट का विंडो। यहाँ पे मुझे कस्टमर का नाम सेलेक्ट करके प्रोडक्ट सेलेक्ट करके इसे सेव करना होगा। इनकेस अगर आपका इस कस्टमर का कोई क्रेडिट नोट पेंडिंग है तो आप F5 की दबा के उसे चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप F5 की दबाएंगे तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जिसके अंदर एंट्री नंबर, टोटल अमाउंट, डेट, प्रोडक्ट नेम एंड पैकिंग, बैच नंबर, क्वांटिटी, अमाउंट, स्कीम, डिस्काउंट, डिडक्ट, टैक्स, रिमार्क्स, बॉक्स साइज, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है परचेज रिटर्न।
तो ये है मेरा परचेस रिटर्न का विंडो, यहाँ पे मुझे नेम के अंदर सप्लायर सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे सेव करना होगा, तो आपका परचेस रिटर्न सेव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है परचेस डेबिट नोट। तो ये है मेरा परचेस डेबिट नोट की विंडो, यहाँ पे मुझे पार्टी का नाम सेलेक्ट करके नीचे प्रोडक्ट्स की एंट्रीज करके मुझे इसे सेव करना होगा, तो आपका परचेस डेबिट नोट सेव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट सेल्स रिटर्न टू क्रेडिट नोट। मान लीजिए आपके पास में बहुत सारे सेल्स रिटर्न के बिल्स हैं और आप उनको क्रेडिट नोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। आपको यहाँ से सेलेक्ट ऑल या फिर पर्टिकुलर बिल्स के ऊपर सेलेक्ट करके उसे ओके सेलेक्ट करना होगा, तो वो जो बिल्स हैं वो सेल्स रिटर्न के वो क्रेडिट नोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट क्रेडिट डेबिट नोट CSV। इस ऑप्शन के थ्रू अगर आपका कस्टमर आपकी रिटर्न्स क्रेडिट डेबिट नोट CSV फॉर्मेट में आपको सेंड करता है, तो आप उस CSV फॉर्मेट को इस ऑप्शन के थ्रू ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको मैन्युअली उसे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है सरप्लस एंड शॉर्टेज। ये दोनों ही ऑप्शंस आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो स्टॉक है और आपके स्टोर के ऊपर जो फिजिकल स्टॉक है उसे मैच कराने के लिए काम आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है गोडाउन ब्रेकेज एक्सपायरी। इस ऑप्शन के थ्रू आपके जो एक्सपायरी है गोडाउन के ऊपर या फिर ब्रेकेज प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप मल्टीपल एंट्रीज एक साथ कर सकते हैं मल्टीपल कंपनीज की, तो यहाँ पे वो सारी कंपनीज आ रही हैं, तो यहाँ पे आप उनकी डिटेल्स को एक साथ सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है होल्ड एंड रिलीज। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को होल्ड पे रख सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स फिर आप सेल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्री बना सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं, तो जो प्रोडक्ट आप नहीं सेल करना चाहते उसे होल्ड पे रख सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपका बिकेगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है GST बीटा। GST बीटा के थ्रू आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे GST बीटा के अंदर वो है GST ट्रांजेक्शंस, जिसके अंदर आप GST इनपुट परचेस एंड GST आउटपुट सेल्स निकाल सकते हैं। आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं सेल्स के अंदर। GST रिपोर्ट्स आप इसमें निकाल सकते हैं, जिसके अंदर GST समरी डेटा, प्रिंट GST रजिस्टर, वैलिडेट GST एंड जैसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। GST फॉर्म्स के अंदर आप एक्सेल फॉर ऑफलाइन टूल्स भी निकाल सकते हैं। आप GST बीटा के अंदर अपने GST फॉर्म जैसे कि R1, R2, R3 उनकी JSON फाइल फॉर GST भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप GST रिटर्न भर सकते हैं कारवी एंड टैक्सिन गो के थ्रू। इनके पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करके आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आप GST लॉग डेट भी कर सकते हैं। तो ये था आपके GST बीटा ऑप्शन, जो कि आपके रिटर्न से रिलेटेड ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर जो ऑप्शंस हम देखेंगे वो है सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट। इसके अंदर आपको सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, साथ ही आपको NDPS सेल्स एंड परचेस स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। आपको शेड्यूल H1 की रिपोर्ट भी इसी के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट रिपोर्ट है डेली रिपोर्ट। डेली रिपोर्ट के थ्रू आपके जितने भी ट्रांजेक्शन सॉफ्टवेयर में हुए हैं जो आप रिपोर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने IP एड्रेस के थ्रू सॉफ्टवेयर को लिंक कर रखा है और आप ट्रैवल करते रहते हैं, तो आप कहीं पे भी हों आप इन रिपोर्ट्स को डेली रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं। तो डेली रिपोर्ट्स के अंदर आपको सारी रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी जो जो आपके सॉफ्टवेयर में हुआ है, जो जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो जो लॉग्स बन रहे हैं सॉफ्टवेयर में, वो सारे के सारे आप इस डेली रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके अंदर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जिन कस्टमर्स का ट्रांजेक्शन 2,00,000 रुपए से ज्यादा हो रखा है कैश के अंदर, उनकी रिपोर्ट्स आपको इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के अंदर जो रिपोर्ट्स आपको मिलेगी वो है ड्यू बिल्स, टोटल अकाउंट पोजीशन,
ग्रुप कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग जैसी रिपोर्ट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट के अंदर आपको समरी कैश एंड क्रेडिट की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, प्रोडक्ट कस्टमर बिल वाइज एक्सेस स्कीम रिपोर्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगी, शेड्यूल वाइज सेल्स की रिपोर्ट्स आपको इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट रिपोर्ट है कस्टमर रिपोर्ट्स। कस्टमर रिपोर्ट्स के अंदर आपको कस्टमर प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, सेल्स रियलाइजेशन रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, सेल्स डिस्काउंट समरी, नॉन ट्रांजैक्टिंग क्लाइंट्स, डिसकंटिन्यूड क्लाइंट्स जैसी रिपोर्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगी। नेक्स्ट रिपोर्ट है बुक्स रजिस्टर डिटेल्स। इसके अंदर आपको पार्टी लेजर, कलेक्शन रजिस्टर, मंथली पेमेंट डिटेल्स, स्टॉक लेजर, परचेस ऑर्डर रजिस्टर जैसी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट रिपोर्ट है इन्वेंट्री रिपोर्ट्स या इन्वेंट्री डिटेल्स। इसके अंदर आपको फ्री क्वांटिटी स्टेटमेंट्स, नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स, डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट्स, रीऑर्डर रिपोर्ट्स, शॉर्ट आइटम लिस्ट रिपोर्ट्स, डंप स्टॉक रिपोर्ट्स जैसी आपको इसमें रिपोर्ट्स मिलेंगी। उसके बाद आता है प्राइस लिस्ट, जिसके अंदर आप ग्रुप वाइज, नेम वाइज, कोड वाइज, जेनेरिक वाइज सर्च कर सकते हैं। तो ये था रिपोर्ट्स पार्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेरीज। क्वेरीज बेसिकली कोई भी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट की कोड डिटेल के अंदर उसकी हिस्ट्री देखने के लिए काम आता है। आप एक रिपोर्ट की कोड डिटेल के अंदर जाके उसकी डिटेल देख सकते हैं। इसके अंदर हमने एक फीचर दे रखा है जूम इन और जूम आउट का, जिसके थ्रू आप लिंक होते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट विंडोज में और आप उन पर्टिकुलर रिपोर्ट की डिटेल देख पाएंगे। और जो रिपोर्ट्स आपको इसमें मिलेगी वो है प्रोडक्ट क्वेरी, रेट एंड स्टॉक क्वेरी, जिसके अंदर आप पैरामीटर्स वगैरह सेट कर सकते हैं रिपोर्ट्स के, एमआरपी क्वेरीज, स्टॉक क्वेरी, कस्टमर क्वेरी, सप्लायर क्वेरी, स्टॉक वैल्यूएशंस, इंक्वायरी ट्रांजैक्शंस, अकाउंट स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको क्वेरीज में मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है एनालिसिस। एनालिसिस रिपोर्ट्स के अंदर आप अपनी पूरी वर्किंग को, अपने पूरे बिजनेस फ्लो को एनालिटिक तरीके से देख सकते हैं। बेसिकली एनालिसिस के अंदर आप अपने प्रॉफिट की टॉप एनालिसिस रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंट्स, जिसके अंदर आपका बैंक अकाउंट सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन होगा। अकाउंट्स में आपको बैलेंस शीट तक पूरा अकाउंट्स मिलेगा, साथ में आपको डे बुक्स भी मिलेंगी जिनके अंदर आप अपने टैक्सेस रिपोर्ट्स की डिटेल निकाल सकते हैं। इसके अंदर आप पीडीसी हैंडलिंग, चेक प्रिंटिंग, बैंक रिकंसिलिएशन, ऑटो क्रिएट वाउचर्स, रिपोर्ट्स जैसे कि स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंसेस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, प्रिंट शेड्यूल जैसे ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। साथ ही आपको बैलेंस शीट इन टी फॉर्मेट एज पर टैली भी मिलेगा और सिस्टम के अंदर आपको चेक ओपनिंग बैलेंसेस डिफरेंस भी मिल जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, आप डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली के अंदर और ऑटो अपडेट पेमेंट्स का भी ऑप्शन आपको अकाउंट्स में मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिस्टम। सिस्टम के अंदर मास्टर डेटा के अंदर आप प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है मेरा प्रोडक्ट मास्टर, यहाँ पे आप अपने पूरे प्रोडक्ट्स की डिटेल देख सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर किसी बने हुए प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है तो आप उस पर क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को हटाना है तो रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से व्यू, प्रिंट, एग्जिट, डुप्लीकेट, फाइंड, F2, एक्सपोर्ट फॉर HSN, इम्पोर्ट फॉर HSN जैसे ऑप्शन हमने प्रोडक्ट मास्टर में दे रखे हैं। प्रोडक्ट की डिटेल किस तरीके से इंसर्ट होती है आप इस एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करना है और प्रोडक्ट को सेव करना है तो वो आपके मास्टर्स में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से कस्टमर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप कस्टमर का डिटेल्स वगैरह बना सकते हैं, सप्लायर, डिस्काउंट सप्लायर्स, स्कीम मास्टर्स, इनवॉइस एट्रीब्यूट लिस्ट जैसे ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। तो आप सारे मास्टर्स इसी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर आपको रीपोस्टिंग और रिपोर्ट पैरामीटर्स जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फैसिलिटी। जो ऑप्शंस आपको फैसिलिटीज में मिलेंगे वो है प्रोडक्ट, कस्टमर, डिलीट नॉन ट्रांजेक्शन मास्टर्स। इसके साथ में आपको डेटा बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हार्ड डिस्क और रीस्टोर बैकअप के जैसे ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज यूजर। हमने यहीं पे एक ऑप्शन दे रखा है चेंज यूजर, अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर यूजर चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से आप यूजर भी चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर अनलिमिटेड यूजर्स और अनलिमिटेड रोल्स आप असाइन कर सकते हैं यूजर्स को।
तो ये था सिस्टम ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है यूटिलिटी। यूटिलिटी के अंदर आप SMS ईमेल्स को शेड्यूल कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर वेंडर्स को SMS और ईमेल्स के अंदर नोटिफिकेशंस या फिर डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस अगर भेज सकते हैं या फिर कोई रिपोर्ट भेज सकते हैं ईमेल या SMS के थ्रू। बर्थडे एनिवर्सरी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स अगर आप भेजना चाहें तो रिपोर्ट्स यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। जो भी आपको रिपोर्ट भेजनी है, कौन से फॉर्मेट में भेजनी है आप वो चूज़ कर सकते हैं। डेली बेसिस पे भेजनी है या वीकली या मंथली भेजनी है वो सेट कर सकते हैं। मैसेज अपना टाइप करके सेट कर सकते हैं तो वही मैसेज हर बार जाएगा। तो उस तरीके से आप अपना पूरा ईमेल SMS शेड्यूल कर सकते हैं और एज पर योर शेड्यूल वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के बैकएंड पे काम करता है। साथ में इसके अंदर आपको एक्सपोर्ट फॉर टैली का ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आप अपने वाउचर्स को टैली के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ में आपको इंपोर्ट CSV मास्टर फॉर्मेट डिजाइनर जैसे ऑप्शंस भी इसी के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेटर जिसके अंदर आप यूजर और राइट्स असाइन कर सकते हैं अपने यूजर को और उनको रोल्स असाइन कर सकते हैं कि उनको सॉफ्टवेयर में क्या क्या रोल्स देने हैं सॉफ्टवेयर के अंदर हैंडलिंग के लिए। अगर आपको कोई यूजर बना हुआ है और उसी यूजर के राइट्स दूसरे यूजर को देने हैं तो कॉपी यूजर का ऑप्शन से आप उसको सेम यूजर्स के राइट दे सकते हैं जो आपने प्रीवियस को दे रखे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेल्प। हेल्प मेन्यू के अंदर सपोर्ट सेंटर फॉर्म है जिसके ऊपर आप टिकट जनरेट कर सकते हैं। यूजर मैनुअल दे रखी है जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। इसको आप इसकी गाइडेंस से आप सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रेनिंग ले सकते हैं। चेकलिस्ट के अंदर आपको अगर कोई नया सिस्टम आपने लिया है उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स आपको रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। फंक्शंस कीज के अंदर हमने ग्लोबल शॉर्टकट कीज दे रखी हैं जिसके अंदर आप जिसकी हेल्प से आप सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट की से हैंडल कर सकते हैं। और डाउनलोड लास्ट पेज का ऑप्शन दे रखा है जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस आपको सॉफ्टवेयर में मिलेंगे वो है GST हैंडलिंग, सेल्स पर्सन वाइज हैंडलिंग जिसके अंदर आप सेल्स रिपोर्ट और कमीशन रिपोर्ट निकाल सकते हैं, MR हैंडलिंग जिसके अंदर आप उसकी सेल्स रिपोर्ट और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट हैंडलिंग मेक सेल्स एज पर जेनेरिक प्रोडक्ट, आप जेनेरिक प्रोडक्ट की हैंडलिंग कर सकते हैं और उनको सर्च करके उनकी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, चेंज बैकग्राउंड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड चेंज करके अपने हिसाब से अपनी फर्म का या अपनी फ्रेंचाइजी का या CNF का वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, कॉलम सेटिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपने जो कॉलम्स हैं उसकी सेटिंग कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपका जो सर्वर का IP है वो नोड से कनेक्टेड है तो आपको फास्ट रिपोर्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है चेक ऑल रिपोर्ट्स थ्रू ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक IP एड्रेस। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं और आपको अपनी फर्म की रिपोर्टिंग को एक्सेस करना हो तो आप स्टैटिक IP के थ्रू इन रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। भले आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी स्टैटिक IP के थ्रू। नेक्स्ट ऑप्शन है बारकोड हैंडलिंग, आप सॉफ्टवेयर के अंदर बारकोड हैंडलिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज स्क्रीन साइज, आप स्क्रीन की साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं Ctrl+ और Ctrl- के थ्रू। यूनिसॉल के अंदर आपको होलसेल और रिटेल दोनों का पैकेज मिलेगा। आप सारी रिपोर्ट्स को अपने मेल के ऊपर शेड्यूल कर सकते हैं एक्सेल PDF जो भी आप फॉर्मेट में चाहें। सेल्स पर्सन के लिए हम लोगों ने एक ऐप बनाई है यूनिसॉल ऑर्डर ऐप जिसके थ्रू आपका सेल्समैन मार्केट में जाके ऑर्डर कलेक्ट कर सकता है जो कि आपके सर्वर पे ऑटोमेटिक आपको मिलता रहेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन। इसी के साथ अगर आप कस्टमर को ऑर्डर ऐप देना चाहते हैं तो वो ऐप भी अवेलेबल है। आप अपने कस्टमर के यहाँ पे उस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए तो कस्टमर उस ऐप के अंदर अपना ऑर्डर देगा और वो आपको अपने सर्वर पे मिलता जाएगा। तो ये था यूनिसॉल का फार्मास्यूटिकल ट्रेड के अकॉर्डिंग वर्किंग। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.swindia.com पे या फिर www.swildesk.com पे। आप हमें सेल से रिलेटेड क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं 9529913873 पे।